हेलो स्टूडेंट, मॉर्निंग. हम लोग लास्ट क्लास डेरिवेशन ऑफ केपी एंड केसी पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने डेल्टा एन जीरो मैंने कंप्लीट कर दिया था आपको, और डेल्टा एन पॉजिटिव पे मैंने अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिया था, और आपको डिसोसिएशन ऑफ पी सेल 5 और उसका केपी केसी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे. उसमें और सारा टर्म बचा हुआ था, क्योंकि डेल्टा एन पॉजिटिव पे बहुत सारा आपको डेरिवेशन पढ़ना था. सो नेक्स्ट कंटिन्यू करिए. आपका नेक्स्ट 4 पॉइंट तक मैंने डिस्कस कर दिया था आपको. 5.5 पॉइंट में हमें बात करना है, 5 में डिसोसिएशन ऑफ N2O4. इसके लिए हमें केपी और केसी चाहिए. कंटिन्यू करिए. आप डिसोसिएशन ऑफ N2O4, N2O4 ये गैसेस स्टेट में है, ये गैस फेज रहेगा आपका N2O4. और वो डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट करके यहां 2 मोल्स ऑफ द NO2. आप कंटिन्यू करिए. जैसे आपने पीसीएल 5 पढ़ा था कि उसके लिए आपको पहले केसी निकालना है, फिर केपी निकालना है, और सेम प्रोसेस, सेम जो आपका स्टेप आपने यूज किया था वही चीज स्टेप आपको यहाँ यूज करना है. अपने से बनाइए, क्योंकि डेरिवेशन हर क्वेश्चन का अपना अलग होता है. तो आप प्रैक्टिस करिए कि स्टार्टिंग T=0, हम लोग जो स्टेप लिए थे कि स्टार्टिंग में ए लेना है, यहाँ पे 0 लेना है, और ए और 0 ये सब मोल है आपका. और जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्यू मैं छोटा लिख दे रहा हूँ, इक्विलिब्रियम जैसे ही आया यहाँ पे आपको लिखना है A-X, और यहाँ ये 2 मोल है, तो यहाँ 2x ये मोल बन जाएगा. ये हो गया आपका. अल्फा आपको यूज करना है. अल्फा क्वेश्चन में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करते हैं जब डेल्टा एन पॉजिटिव है, क्योंकि ये कुछ केस हमारा है डेल्टा एन पॉजिटिव का. डेल्टा एन है 2 और -1, सो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 केस है. उस केस में हम लोग अल्फा यूज करते हैं. अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका मतलब होता है x/a. ये वाला एक्स मैं डिस्कस कर चुका था आपको, और इससे आप सीखेंगे. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x=A α. तो ये हम लोग यूज करते हैं जब फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, तो उसमें यूज करते हैं ऐसा. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आपको लेट वी द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर, लीटर में आपको लेना है. लेट वी द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगला स्टेप है आपको मोलर कंसंट्रेशन चाहिए एट इक्विलिब्रियम. मोलर कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर, ये मोल है, वॉल्यूम से डिवाइड कर लीजिए आपका. सो मोलर कंसंट्रेशन इसका मोल है a-x डिवाइड बाय v, ये मोल पर लीटर हो गया. और यहां आप लिखेंगे तो यहां पे 2x आर डिवाइड बाय v, ये हो गया मोल पर लीटर. ये हो गया. अब इनको बाहर निकालना है, बाहर निकाल के आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ग्रेटर में, और फाइनली आप केसी आप लिख लीजिए. तो बाहर आप जैसे निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालिएगा तो ऐसे N2O4 कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 वो हो जाएगा a-x/v, ये है मोल पर लीटर. और कंसंट्रेशन ऑफ द NO2 स्कूल में भी ऐसे ही हम लोग ड्राइव किया करते थे कि इसी मेथड से ऐसे स्लो ऐसे लिख करके हम लोगों को डेरिवेशन करना होता है. न्यूमेरिकल बनाते समय भी हर क्वेश्चन का अलग आपका डेरिवेशन होता है, इसलिए आपको सीखना है, कोई रटना नहीं है आपको. बहुत आसान है. कई लोग तो ये सब 1, 2, 3, 4 मन में ऐसे सोचते हैं और डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट. तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं. आप केसी है, यहाँ पे आपको NO2 का स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाई N2O4 हो गया. NO2 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ हो गया 4x² और डिवाइड बाई v², और यहाँ N2O4 कंसंट्रेशन, तो a-x और डिवाइड बाई v हो गया. v एंड v कैंसिल आउट हो गया. इस तरह KC=2 हो गया 4x², और ऊपर में हो गया v, और यहाँ पे हो गया a-x. हो गया ये.
ये था, ये तो डेरिवेशन था किसी के लिए। और अगर आप एक और रिलेशन चाहिए ना, अगर आप x x इक्वल टू अल्फा रिप्लेस कर लीजिए, अगर x इक्वल टू आप अगर रिप्लेस कर रहे हैं a इंटू अल्फा रिप्लेस कर लीजिए, पुट कर लीजिए, पुट करके डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ पे 4 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से एक कॉमन निकलेगा तो 4 ए अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाय v 1 माइनस अल्फा, हो गया आपका। ये था इक्वेशन फॉर केसी, केसी के लिए ये इक्वेशन था। ऐसे आपको केपी भी बनाना है, क्योंकि आप डेल्टा एम जब ग्रेटर जीरो पॉजिटिव है या निगेटिव भी रहता है उस केस में केपी का अलग इक्वेशन, केसी का अलग इक्वेशन। तो देखिए केपी अगर बनाना है तो केपी में बहुत सारा टर्म तो कॉमन ही रहेगा, ढेर सारा, जैसे ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये सब तो सब कॉमन ही है। सो अब केपी आपको बनाना है, नहीं सो आप नोट करेंगे, आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए आप कॉपी में, मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि क्लास वैसे ही चल रहा है जैसे आपका रेगुलर क्लास होता है। सो एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे चल रहा है, आप अपना कॉपी पेन रखे रहिए साथ साथ, एकदम साथ साथ नोट करते रहिए, मुझसे आगे भी चलिए, मेरे साथ क्या मुझसे आगे चलना है, आपको तेज तेज चलते रहना है। बताइए आप नेक्स्ट स्टेप में अगर केपी निकालना है तो सेम थिंग 1 2 3 4 स्टेप। अब इसके आगे दो टर्म नया है, एक तो है n, n इज द टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, और एक लेट वो वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम की जगह p प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो चलिए नया नया स्टेप क्या क्या है, तो एक नया टर्म आ रहा है कि n n n जो है n n हम लोग पढ़े थे कि टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, तो देखिए n n लिखना है, तो n का टोटल नंबर ऑफ मोल ऐसे जोड़ लेंगे आप, ऐसे टोटल नंबर ऑफ मोल जोड़ लेंगे a माइनस x प्लस 2x, हो गया ये a प्लस x, a प्लस x हो गया, ये हो गया आपका टर्म। नेक्स्ट आपको एक टर्म आपको लेट p p इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम लिखना है, टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम लिखना होगी, उसमें वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्योंकि हमें कंसंट्रेशन लेना था मोल पर लीटर, यहां हमें लेना है पार्शियल प्रेशर, आप जानते हैं केपी के लिए हमें करना है पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर मैं सिखा चुका हूं क्लास क्लास भी मैंने डिस्कस किया था, तो पार्शियल प्रेशर आप यहां पे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लिखते हैं यहां पे a माइनस x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया a प्लस x इनटू टोटल प्रेशर p, यहां लिखेंगे 2x डिवाइड बाय a प्लस x इनटू टोटल प्रेशर p, हो गया पार्शियल प्रेशर। बाकी आप इसको अलग अलग लिखना हो तो अलग लिख लीजिए और केपी बना लीजिए। Then partial pressure of the N2O4, partial pressure N2O4, वो हो गया A minus X, A plus X, partial pressure of NO2, 2X, A plus X, into P, ये है partial pressure के लिए, ये formula हो गया पार्शियल प्रेशर के लिए। अब आपको जानते हैं कि इस इक्वेशन के लिए केपी, केपी जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द N2O4। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करिएगा तो 4x स्क्वायर p स्क्वायर a प्लस x का स्क्वायर
नाउ डिवाइड बाय ये, तो ए माइनस एक्स इंटू पी और डिवाइड बाय ए प्लस एक्स, ये हो गया ए प्लस एक्स, इसमें कैंसिल हो रहा है, एक पी भी प्रेशर भी कैंसिल होगा, ए प्लस एक्स भी कैंसिल होगा, तो फाइनली आप जब सॉल्व करें केपी केपी इक्वल टू, तो पी कैंसिल हो गया, तो फोर एक्स स्क्वायर पी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस एक्स और यहाँ हो गया ए माइनस एक्स, फाइनल लास्ट लाइन केपी फोर एक्स स्क्वायर पी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये और पुट कर लीजिए, अब अपना पुट करिए, x इज इक्वल टू ए अल्फा, जैसे आप पुट करें x इज इक्वल टू ए अल्फा, तो 4 यहां पे ए स्क्वायर कॉमन हो गया, कट जाएगा अल्फा स्क्वायर पी और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इतना रिलेशन। तो रिजल्ट आपको जानना था, कई एग्जाम में तो डायरेक्ट रिजल्ट ही आता है, डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि आप डायरेक्ट ड्राइव करिए केपी का फॉर्मूला, केसी का फॉर्मूला निकालिए। सो हम लोग का फाइनली आपको इस इक्वेशन को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट थ्योरी भी पूछा हुआ है कई एग्जाम में कि देखिए अगर हम लोग बात करें N2O4 और डिसोसिएट करेंगे, ऐसे डिसोसिएट करेंगे 2NO2 में, या कुछ ऐसा रिएक्शन हो, ए है ए ब्रेक कर रहा है 2B में, ए ऐसे ब्रेक किया 2B में, ऐसे ए सेम चीज सेम, ऐसा कोई भी रिएक्शन रहेगा या ए ब्रेक कर रहा है 2B में, 2B में ऐसे ब्रेक किया इस तरह से, तो ऐसे रिएक्शन के लिए अगर आपको केपी चाहिए तो केपी आपको ध्यान रखना है 4 अल्फा स्क्वायर पी और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, या सामने इक्वेशन है 4 एक्स स्क्वायर पी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। केसी चाहिए, केसी का इक्वेशन मुझे याद नहीं है तो मैं तुरंत इसमें डिराइव करूंगा, तो 2x हो गया, तो यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय v और वो हो जाएगा a माइनस एक्स, ये सो यहाँ पे है 2x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, तो v ठीक है आपका और a माइनस एक्स बाई वी, और x इज इक्वल टू ए अल्फा यूज करेंगे तो 4 a अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाय v और 1 माइनस अल्फा, तो ये रिजल्ट हो गया आपका केपी केसी के लिए। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्स एक्स इक्वल टू होता है ए इंटू अल्फा, तो ये डेरिवेशन करना था, ये रिजल्ट था, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, बट कैसे आया हुआ वो सीखना है आपको, तो ये दोनों स्कूल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक ये हुआ और एक पी सेल्फ है भी अगर रिपीट करना चाहे यहाँ तो लिख लीजिए, और इतना फास्ट रखना ना कि आपको मन में ही कैलकुलेट कर लेना है जितना लाइन है, जैसे आपका पी सेल फाइव लास्ट क्लास आपने पढ़ा था, पी सेल फाइव वही गैस है और वो ब्रेक कर रहा है यहाँ पे पी सी एल थ्री और यहाँ सी एल टू गैस है, सारे गैस फेज में है, तो गैस है यहाँ पे सी एल टू गैस फेज में, या फिर मैंने बताया था कि इसी के इक्विवेलेंट कोई ऐसा रिएक्शन है, ए ब्रेक कर रहा और ए ब्रेक करके यहाँ बी में चला गया प्लस सी में चला गया, सेम उस टाइप का रिएक्शन रहा, ऐसा कोई भी रिएक्शन रहा, इसके लिए केपी पढ़ना है, केपी जो है वो अल्फा स्क्वायर पी होता है और डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होता है, लास्ट क्लास आप डिराइव किए थे या आप तुरंत समझ भी सकते हैं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर पी का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर और पी और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये केपी हो गया, और केसी भी निकालना है तो केसी भी आपको निकालना होगा, तो केसी में अभी तुरंत आप बना सकते हैं यहाँ x by v x स्क्वायर और डिवाइड बाय v और ये हो गया a माइनस एक्स ए अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय v 1 माइनस अल्फा, वही सेम x इज इक्वल टू ए अल्फा,
ये सब रटना नहीं है, मुझे कोई याद नहीं है, मैं तो तुरंत तुरंत ऐसे मन में फट 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 सेट किया। नाउ देखिए, यहाँ एक्स है, एक्स है, एक्स बाई वी, एक्स बाई वी, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ए माइनस एक्स बाई वी, ए माइनस वी वी कट गया, हो गया आंसर। उस तरह तुरंत यहाँ पर रिप्लेस करिएगा, एक्स इक्वल टू एल्फा हो गया। तो कुछ सेकेंड में हम लोग कैलकुलेट करना होता, तो सीखने के लिए था, पूरा डिटेल में धीरे 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 हम लोग डिस्कस किए। सीखने के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाना होता है तो बहुत जल्दी, कुछ सेकंड में ही आपको करना। अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे डेल्टा एम क्वाड्रेटिक पे, अभी और ढेर सारा आपको डिस्कस करना है। कुछ कुछ सॉलिड, कुछ सॉलिड भी हम लोग को यूज करना होता है, जैसे सॉलिड जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं। लेट पी इक्वल टू लिखा रहेगा, पी इक्वल टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, देन हमें केपी चाहिए, सिर्फ केपी चाहिए। केपी ये थ्योरी भी है और कुछ न्यूमेरिकल भी आया हुआ है इससे, और केपी फोर रिएक्शन, रिएक्शन लिखा हुआ एन एच फोर एच एस, और ये सॉलिड है और वो ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ एन एच थ्री गैस और एच टू एस गैस। इसके लिए सिर्फ केपी चाहिए, हमको सिर्फ केपी निकालना, वनली केपी निकालना है इस रिएक्शन के लिए। सो आप प्रैक्टिस करिए, और यहाँ रिएक्टेंट मैंने सॉलिड ले रखा, सॉलिड ये न्यूमेरिकल पार्ट में भी है और थ्योरी भी है, पैकेज में भी है क्वेश्चन और आता भी है, ये न्यूमेरिकल भी इसके आएंगे, तो आप अपना कंप्लीट करिए इसको। स्टार्ट वैसे ही करिए, वैसे ही करिए, स्टार्टिंग आपको सेम करना है, ए ए लेके माने सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग यूज नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम, बट स्टार्टिंग करना तो सीखिए। चलिए स्टार्ट करिए, लेट टी इक्वल टू जीरो, ये मान लीजिए ए है, ये जीरो है और जीरो है, ऐसे एट इक्विलिब्रियम जैसे इक्विलिब्रियम पे आइएगा, तो ये हुआ a माइनस एक्स और यहाँ पे हो गया x, ये x ये मोल है, ये आप जानते हैं कि ये जो हम लोग टर्म ले रहे हैं ये मोल है, ये मोल मोल ये मोल हो गया। तो ये मेथड है आपका, मेथड स्टार्ट वैसे ही करना है स्टार्ट, बट ध्यान रखिएगा ये इसके बारे में थोड़ा सा आप केयर करिएगा कि ये है सॉलिड, ये सॉलिड है, सॉलिड ऐसा सॉलिड लेना है, ऐसा सॉलिड लेना, सॉलिड को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं यूज करते हैं, आप जानते हैं कि सॉलिड को फॉर्मूला भी बनाए थे तो उसमें नहीं यूज करते। सो अगर हम लोग बात करना है n, n इज अ टोटल नंबर ऑफ मोल, अगर हम लोग पढ़ें टोटल और नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, सो ध्यान रखिए टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम जो है वो इसको नहीं लेना है भाई, सॉलिड को मत लीजिएगा ना, सॉलिड को नहीं लेना, सॉलिड को मत लीजिए। यहाँ हुआ x प्लस एक्स और 2x हो गया, ठीक है, वनली गैसेस रिएक्ट, गैस गैस कर लीजिए, गैसेस रिएक्टेड या गैसेस प्रोडक्ट कर लेते हैं, वनली गैस के लिए लेना है आपको। नेक्स्ट स्टेप हमें सिर्फ सिर्फ केपी निकालना है, तो केपी निकालना है तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ऐसे पार्शियल पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करेंगे। इसका मत लिखिएगा ना, सॉलिड का मत लिखिएगा, सॉलिड का प्रेशर कहाँ होता है, सॉलिड का कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉलिड इक्विलिब्रियम में यूज ही नहीं करना, यहाँ यूज करिए, यहाँ पे यहाँ लिखिएगा नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू द प्रेशर, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है इसका यूज कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू प्रेशर, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ,
फाइनली फाइनली आप इस साइड आप करते हैं, फाइनली जो है हमारे पास पार्सल प्रेशर ऑफ NH3 सॉल्व करिए तो देखिए NH3 का XR डिवाइड बाई 2X इंटू पी मतलब हो गया ये पी बाई 2। फाइनली हम लोग बात करेंगे पार्सल प्रेशर ऑफ H2S X डिवाइड बाई 2X इंटू पी और ये हो गया आपका पी बाई 2। और आप फॉर्मूला भी जब लिखेंगे केपी का तो केपी के फॉर्मूला में आप जानते हैं केपी केपी इज इक्वल टू जो हो गया वो है सिर्फ पार्सल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू द पार्सल प्रेशर ऑफ H2S। पुट कर लीजिए, पुट करिएगा तो यहाँ पे है पी बाई 2, यहाँ पे भी है पी बाई 2। सो इस तरह आपको पूछा जाता है, आपको थ्योरी ही पूछा जाता है तो आपको लिखना है पी स्क्वायर बाई 4। हो गया इतना छोटा सा रिएक्शन। तो ये सब डेरिवेशन भी थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है आपको, थ्योरी सॉलिड करके आ जाता है यहाँ डेल्टा एन पॉजिटिव है, इसके न्यूमेरिकल भी है पैकेज में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, थ्योरी भी पूछा हुआ है। देखिए थ्योरी में है ये क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ये क्वेश्चन है लेक्चर 3 क्वेश्चन नंबर 25, ये थ्योरी भी पूछा हुआ इस रिएक्शन के लिए, न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ अगर इसी क्वेश्चन को लेक्चर 3 32 न्यूमेरिकल भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है कि नाउ NH4HS ये सॉलिड है, डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट किया NH3 गैस और डिसोसिएट किया H2S गैस में, ऐसे डिसोसिएट कर रहा आपको। सो लिखा हुआ कि ऑब्जर्व प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, और लिखा हुआ 1.12 एटमॉस्फेयर, ये है प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये लिखा हुआ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देन पूछ रहा है कि इसमें केपी चाहिए, केपी तो आपको अगर पता रहेगा या आप बहुत जल्दी बहुत फास्ट करते हैं तो आपके लिए एक सेकंड का ऑप्शन देखिएगा, अगर आपको केपी निकालना है, केपी पूछ रहा है तो केपी आपको दिख रहा है कि केपी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4 होता है, या आप सॉल्व भी कर सकते हैं पी स्क्वायर बाई 4। सो 1.12 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा वो आंसर आ जाएगा। तो थ्योरी भी रहता है इसका, इसके न्यूमेरिकल पार्ट भी रहते हैं, और अभी और प्रैक्टिस करिए, सॉलिड मीडियम 3-4 और सेट लिखा हुआ है तो सॉलिड मीडियम में नेक्स्ट एग्जांपल आप प्रैक्टिस करिए 7। सेम क्वेश्चन सेम में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे NH4 और सी डबल बॉन्ड ओ और NH2 ऐसे ये यूज कर लिया और ये सॉलिड है, इसको हीट करते हैं आप तो यहाँ 2 moles ऑफ द अमोनिया, 2 moles अमोनिया हो जाएगा और 1 mole CO2 गैस। आप नोट करिए और नोट करके इसके लिए हमें केपी चाहिए, केपी आपको बनाना है, आप प्लान करिए स्लो करिएगा, आप डायरेक्ट नहीं, जब बहुत सारा चीजें पढ़ लेंगे तब आप फिंगर टिप्स पे आप कर सकते हैं, अभी तो एकदम स्लो अभी धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैंने स्टेप सिखाया 1 2 नाउ नंबर ऑफ मोल सॉलिड नहीं लेना है, देन पार्सल प्रेशर उधर लिखना भी है एंड देन आपको सॉल्व करना है, तो स्लो धीरे धीरे बनेंगे तो सॉलिड मीडियम आपको और करना है प्रैक्टिस कर। नहीं स्टार्ट करिए और भी है सॉलिड का, और मैं चेक कर ले रहा हूं कि क्या क्या और सॉलिड में पूछा हुआ आपका। नहीं स्टार्ट करिए टी इक्वल टू 0, तरीका वही है जो मैंने अभी सिखाया था, टी इक्वल टू 0 ये ले लीजिए, ए ले लीजिए, ये 0 ले लीजिए, ये 0 ले लीजिए और स्टार्टिंग में ये मोल है, मोल रहेगा। नाउ एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम पे लीजिएगा तो ये ए माइनस एक्स करना है, बट यहाँ ध्यान रखिए यहाँ 2x हो जाएगा और ये हो गया एक्स, ये है मोल, मोल है, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये हम लोग बातें कर रहे हैं सॉलिड, ये है सॉलिड,
सॉलिड का कोई रोल नहीं होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड का कोई रोल नहीं है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल लें तो थोड़ा सा फास्ट करिए, टोटल नंबर ऑफ मोल में सॉलिड हटा दीजिए, यहाँ रखिएगा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, टोटल नंबर ऑफ मोल, ये है टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल। हमेशा ध्यान रखना है गैस, गैस का नॉट सॉलिड, सॉलिड नहीं लेना है आपको। प्रेशर, टोटल प्रेशर लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम पे, सो आप डायरेक्ट यूज करिए पार्शियल प्रेशर, इसका मत लीजिएगा ना सॉलिड, मैंने बार बार मना करता हूं, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता है सॉलिड का। अब इसका लीजिएगा तो इसके में टोटल नंबर ऑफ मोल, ऐसे इसका मोल है 2x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल है 3x इनटू पी, यहां पे इसका लेना है पार्शियल प्रेशर x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 3x इनटू पी, ऐसा आपको लेना है। अब आप बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल के चलिए लिखते हैं हम लोग, तो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, जस्ट सॉल्व करिए इसको, इसको हटेगा तो ये x और x कट गया, 2/3 इंटू पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर करिएगा, ये x और x कट गया तो यहाँ हो गया P/3 ऐसे। और देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए, जब आप रिएक्शन लिख रहे हैं ना, जब रिएक्शन लिखते हैं तो KP का फॉर्मूला क्या होगा, KP का फॉर्मूला अमोनिया, अमोनिया का स्क्वायर, सॉलिड तो लेना ही नहीं है सॉलिड, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 ऐसे, ये लेना आपको। अब आप यूज करेंगे केपी, केपी इज इक्वल टू अमोनिया का स्क्वायर, स्क्वायर करिएगा 4P² / 9, CO2 का हो गया P/3, सो इस तरह आपको फॉर्मूला आ गया केपी का, केपी का हो गया 4 और डिवाइड बाय 27 और पी क्यू हो गया, ऐसा रिजल्ट है केपी के लिए। और भी है सॉलिड मीडियम, सॉलिड मीडियम और प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वही प्रेशर लिखा रहेगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, आपको केपी निकालना होता, सेम कॉन्सेप्ट अगेन प्रैक्टिस करना आपको। सेम टोटल प्रेशर केपी, मैं रिएक्शन चेंज करता हूं आपको, बस प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं, छोटा सा है बट आपको प्रैक्टिस करना है, ये चीजें आपको रिड्यूस करके टाइम एक मिनट के अंदर कर लेना है, ये बस आपको जो आप 5-6 लाइन लिख रहे हैं धीरे धीरे आपको एक दो लाइन में कंप्लीट करना होता है, तो प्रैक्टिस ही तो बस मैं करा रहा हूं आपको। चलिए आप बताइए कि HgO सॉलिड डिसोसिएट किया, यहां बन रहा है मरकरी और ये गैस बन रहा है हाफ ऑक्सीजन, हाफ है ऑक्सीजन और ये भी गैस बन रहा है। स्टार्ट करिए, इसका हमें केपी चाहिए, हम लोगों को केपी, केपी का फॉर्मूला चाहिए, यहां पे कंटिन्यू करिए आप अपना मेथड, सेम है जैसे मैंने अभी दो बताया, चलिए स्टार्ट करते हैं। T = 0, ये मान लीजिए A, ये 0 है, 0 एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिएगा एट इक्विलिब्रियम ध्यान से, सो बोलिए A - x, यहां देखिए यहां गैस है, गैस तो यहां x गैस है बट 1/2 तो यहां होगा x/2, ये ध्यान रखना है, ये सब बातें हो रहा है मोल, मोल के बारे में बात करें, सेम स्टेप, सेम स्टेप, ये है सॉलिड, सॉलिड को काउंट ही नहीं करना, सॉलिड मत कंसीडर करिए। एन, नेक्स्ट स्टेप एन, एन टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया एक्स प्लस x/2 3x/2 टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम
हो गया आपका। नेक्स्ट चाहिए पार्सल प्रेशर, सेम स्टेप जैसे स्टेप उसमें पड़े हुए हैं सेम एकदम, अभी सीखने का है ये सब चीजें। सो स्लो 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 अप्लाई करना, खूब फास्ट अप लगाइएगा, अभी धीरे धीरे सीखिए। सो यहाँ है पार्सल प्रेशर, पार्सल प्रेशर यहाँ पे जस्ट सॉलिड है, सॉलिड को हटा दीजिए, सॉलिड को हमें नहीं यूज करना है ना, इसके लिए यूज करना। तो इसके लिए है x डिवाइड बाई 3x बाई 2 इंटू पी, इसके लिए पढ़ना है, इसके लिए x बाई 2 इंटू 3x बाई 2 इंटू पी, कई बार आप लिख चुके हैं नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल इंटू पी। अब इसको अलग कर लीजिए, बाहर निकाल के लाइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ मर्करी सॉल्व करिए। सो एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया, सो 2 बाई 3 पी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन सॉल्व करिए, एक्स और एक्स 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, सो सिर्फ पी बाई 3 होगा, ये हो गया। अब केपी का इक्वेशन अच्छे से लिखना है, केपी केपी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, केपी देखिए आप अपने रिएक्शन को देखिए और रिएक्शन में देख करके केपी केपी में बोलना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मर्करी इनटू द, ये देखिए यहां ध्यान रखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे पावर 1/2, ये आपको ध्यान रखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे पावर 1/2, ये बस बनाना है आपको, क्योंकि ये जो मोल है वो पावर में जाएगा आपका। जाइए डाटा पुट कर लीजिए, डाटा पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये है केपी 2p/3 ऑक्सीजन p/3 पावर 1/2 केपी 2/3 यहां हो गया √3 पी पे पावर 1 + 1/2 पी पे पावर 3/2 हो गया, ये है सर। तो केपी के लिए सॉलिड के लिए भी पढ़ना, सॉलिड के लिए आपको डिस्कस करना। अभी और अभी दो और कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, दो और प्रैक्टिस करते हैं, दो और डेल्टा एंड पॉजिटिव पे खूब हमें प्रैक्टिस करना था, आता भी हम लोगों को, तो दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, अभी नोट करिए इसको। नेक्स्ट 9 नंबर में ये क्वेश्चन है, पैकेज में दिया हुआ था कि इसमें सॉलिड नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है, गैस ही है, यहाँ भी गैस है, यहाँ भी गैस है, गैस है, बस 1/2 मोल है 1/2 यहाँ पे। अल्फा लिखा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिखा हुआ पी द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और केपी का हमें डेरिवेशन चाहिए। तो कई बार एग्जाम में ऐसे आता है कि थ्योरी आईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी सिर्फ आपको रिएक्शन दे देगा, उसमें केपी चाहिए या अल्फा चाहिए या प्रेशर चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन है, तरीका वही है, वही डेरिवेशन के लिए। यहाँ गैस है, ये भी गैस है, गैस है, सॉलिड नहीं, सॉलिड का मैं जो 3 आया हुआ था वो मैंने तीनों कंप्लीट कर दिया, उसका डेरिवेशन मैंने बता दिया। यहाँ पे बड़े बड़े हैं इक्वेशन है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, केपी निकालना। चलिए प्लानिंग करते हैं, सेम मेथड जैसे आप PCl5 है N2O4 किए थे वैसे ही एकदम स्लो स्लो एकदम स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ पे यहाँ वाटर है, गैस फेज में सारे गैस हैं, तो ऐसे कर H2 है प्लस हाफ ऑक्सीजन है, गैस फेज में मान लीजिए स्टार्टिंग में टी जगह लो 0 पे, ये ए ले लीजिए, ये है 0 और 0, ये हम लोग बातें कर रहे हैं मोल के लिए, ए पढ़ रहे हैं मोल, और जैसे इक्विलिब्रियम पे आया तो वो हो गया ए माइनस एक्स, यहाँ हो गया एक्स और यहाँ हो गया एक्स बाई 2 1/2, ये मोल है, मोल हो गया। नेक्स्ट स्टेप अच्छा, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी लिखा हुआ है, तो आप यूज कर लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पढ़ाया मैंने, अल्फा ढेर सारा बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होता है एक्स बाई ए, एक्स ये डिसोसिएट कर रहा है ना, तो एक्स बाई ए, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा, ये हमें लास्ट में यूज करना है, एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा ऐसा, चलिए ये ऐसा लिख लीजिए। अगला स्टेप,
नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, अगला स्टेप जो था टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, तो आज तो सारा गैस है, सब सारे लोग गैस है, तो आप फॉलो करिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बाय टू, सो एक्स और एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा ए और प्लस एक्स बाय टू, ये ए प्लस एक्स बाय टू, ये टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम जो आप बनाते हैं सारा, आप लिखना हो आप ठीक है, स्कूल में डेरिवेशन के लिए आता है तो पूरा आप लिखा कीजिए कि ये है टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्यू भी छोड़ सकते हैं, इक्विलिब्रियम ऐसे, ये मीनिंग हो गया आपका। नेक्स्ट था पेपर में लिखा हुआ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन पी, पी ये गिवन है, ये पेपर में लिखा हुआ है गिवन पी, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ये दिया हुआ पेपर में लिखा हुआ आपका। अगला स्टेप हो गया आपको पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालना है कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू द प्रेशर, तो आप सबके नीचे लिखिए आप पार्शियल प्रेशर, सो पार्शियल प्रेशर यहां इसके नीचे लिखना है ए माइनस एक्स और डिवाइड बाई, यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ मोल ए प्लस एक्स बाय टू इनटू प्रेशर, यहां है एक्स डिवाइड बाय ए प्लस एक्स बाय टू इनटू द प्रेशर, यहां पे एक्स बाय टू ए प्लस एक्स बाय टू इनटू द प्रेशर, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल और इनटू द प्रेशर, ये होगी। अब आपको क्या करना है कि अब आपको केपी का, इसको अलग अलग मत लिखिए, बहुत फिर बहुत स्लो स्लो हो जाएंगे हम लोग, इसको अलग अलग पीपी करके छोड़ दीजिए, तो आप आपको समझ जाना है कि ये पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर हुआ। अब अपना इक्वेशन आइए केपी के लिए, इक्वेशन आप बनाते हैं हम लोग, अब आप जानते हैं केपी के लिए इक्वेशन क्या हो गया, तो केपी के लिए इक्वेशन हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे पावर 1/2 और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर, सारे लोग गैस है ना, यहाँ सारा गैस फेज में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ गैस फेज में है। आगे आप सॉल्व करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, लास्ट में हम लोग मैचिंग कर लेंगे। चलिए पुट करिए वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर रखिएगा x इंटू पी डिवाइड बाय ए प्लस एक्स बाय टू, ऐसा रख लीजिए। नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे पावर 1/2, आप देखिए जरा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन लास्ट में ऑक्सीजन लिखा हुआ, तो यहां लिखिएगा x पे पावर 1/2, p पे पावर 1/2, 2 पे पावर 1/2 और 1 a प्लस x बाय टू पावर 1/2, ऐसे समझिए। नेक्स्ट आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ऐसे लिखा हुआ a माइनस एक्स इंटू पी और डिवाइड बाई यहां पे ए प्लस एक्स बाय टू, यह सारा टर्म आप लिख लीजिए, बाकी आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करते रहिए, आप सॉल्व करिएगा तो देखिए कुछ टर्म तो कट जा रहा है, जैसे ए प्लस एक्स बाय टू, ए प्लस एक्स बाय टू ये कैंसिल होगी, एक प्रेशर और एक प्रेशर यहाँ कैंसिल होगी, थोड़ा छोटा करते हैं फिर लास्ट में रिप्लेस करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए अल्फा के पी, यहाँ पे देखिए x और x ये 1 और प्लस 1/2, यहाँ 3/2 कर लीजिए, प्रेशर ऊपर में हो गया 1/2, यहाँ 2 पे पावर 1/2, यहाँ है a प्लस एक्स बाई टू पावर 1/2, यहाँ a माइनस एक्स,
अब हमें क्या पुट करना है, फाइनली x इज इक्वल टू ए अल्फा, हमें x इज इक्वल टू ए अल्फा पुट करना है, x x इज इक्वल टू पुट करना है a इंटू अल्फा, ये हमें पुट करना है फाइनली, और इसके बाद हमारा आंसर आएगा। पुट करते हैं, पुट करके सॉल्व करते हैं। सो केपी एक्स इक्वल टू ए अल्फा, ए पे पावर 3/2, अल्फा पे पावर 3/2, पी पे पावर 1/2, टू पे पावर 1/2, ए एक्स इक्वल टू ए अल्फा पावर 1/2, ए अल्फा। ऊपर और नीचे से एक कॉमन निकालिए, ऊपर से भी एक कॉमन निकालिए, नीचे से भी पूरा एक कॉमन निकालिए, देखिए तो ए पे पावर 3/2, अल्फा पे पावर 3/2, पी पे पावर 1/2, यहां से ए, यहां भी एक कॉमन निकालिए, तो यहां यहां से ए निकालिएगा तो ए पे पावर 1/2, यहां से ए निकालिएगा तो ए हो जाएगा, यहां 2 पे पावर 1/2, 1 प्लस अल्फा बाई 2 पे पावर 1/2, और यहां पे 1 माइनस अल्फा, तो ए तो कट जाएगा, जो आपने स्टार्टिंग में ए माना था तो वो ए तो कट जाएगा, ए पे पावर 3/2, और यहां भी ए पे पावर 3/2 होगा, छोड़िएगा तो अगेन अल्फा पे पावर 3/2, पी पे पावर 1/2, ये आया ऊपर में, यहां से भी टू कॉमन निकालिए ना, यहां से टू टू बाहर निकालिए, सो यहां से जब बाहर निकालेंगे तो ये बताइए 2 प्लस अल्फा अब बाई 2, ये 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा पे पावर 1/2, और जो डिनोमिनेटर में ये 2 जो कॉमन निकल जाएगा, 2 पे पावर 1/2, 1 माइनस अल्फा। सॉल्व आप करते रहिए, बस सॉल्व ही तो करना है इसमें, ये पार्ट कैंसिल आउट हुआ। फाइनली हमारा केपी जो आ गया वो है आपका अल्फा पावर 3/2, पी पे पावर 1/2, 2 प्लस अल्फा पावर 1/2, और 1 माइनस अल्फा, ये कंप्लीट हुआ मेरा। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन मेरे पास है, ऑप्शन मैं देख लेता हूँ, मैंने लिखवा दिया था आपको। सो अल्फा पे पावर 3/2, अल्फा पावर 3/2, पी पे पावर 1/2, 2 प्लस अल्फा, ये ऑप्शन बी आ रहा है, बी मैंने वहाँ लिखा था, ऑप्शन सारे ऑप्शन आपको दे दिया था, वो ऑप्शन बी आ रहा है आपका। तो इस तरह आपको डेरिवेशन भी पूछा जाता है, आपको के पी का के सी का डेरिवेशन भी पूछा जाता है, और जो डेल्टा एन पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है उस केस के लिए। आपको एक और करना था, मुझे 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट आपको डिस्कस करना था, तो एक और हम लोग डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था आपका, ये पैकेज में है, आईडी एडवांस में आया हुआ, आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखिए थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है आपका। ये इक्वेशन लिखा हुआ गैस फेज में, सारा जगह गैस 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 फेज में लिखा हुआ, गैस रिएक्शन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा लिखा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और लिखा हुआ मेंशन किया हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मच मच स्मॉलर देन यूनिटी, यूनिटी से वन से बहुत छोटा है आपको लिखा हुआ। पी लिखा हुआ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो अल्फा चाहिए, वही रिलेशन चाहिए, बस हमें रिलेशन चाहिए केपी एंड पी एंड अल्फा में, और फाइनली उससे अल्फा निकालना। थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है आपका। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे वही सेम मेथड, वही स्टार्टिंग मान लीजिए ए ले लीजिए, यहाँ पे सेम तरीका वही है आपका, बड़ा है थोड़ा सा बड़ा है, लास्ट में अल्फा बहुत छोटा है वन से, तो वो हम लोग यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, पहले स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग क्वेश्चन का, कि यहाँ पे टू ए बी टू है क्वेश्चन में, गैस फेज है, गैस फेज गैस यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ 2AB और 2AB है और यहाँ पे B2 रिएक्शन गैस फेज में है। तो स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग टी इक्वल टू जीरो, ये है ए, ये जीरो है और जीरो है, हम लोग मान रहे हैं ये मोल है। चलिए लिखे एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं वो सही से लिखना है आपको। आपको कैसे मैंने बताया था वो आप देखिए, यहाँ पे ए और माइनस, यहाँ देखिए यहाँ 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 टू मोल्स, तो 2x करना है, ए माइनस करना है, 2x करना है, और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा x हो जाएगा, ये मोल हुआ मोल, ये ऐसा इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करेंगे अल्फा, हम लोग जानते हैं कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो क्लास में मैंने पढ़ाया था कि यहाँ 2x होता है, 2x और डिवाइड बाय a, ये हो गया, या फिर आप इसको हटाएंगे तो x या 2x ही कर लीजिए, 2x 2x को रिप्लेस करना सीखेंगे, 2x इज इक्वल टू a अल्फा, ये हम लोग लास्ट में यूज करेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा लास्ट में हम लोग यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट आप लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि केपी निकालना है ना, केपी के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, तो सॉल्व कर लीजिए एन, एन इज इक्वल टू हो गया ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स जो कहलाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, और पेपर में लिखा हुआ पी, पी इज द टोटल प्रेशर, पी जो लिखा हुआ पी, पी इज द टोटल प्रेशर, पेपर में लिखा हुआ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ ये, तो इसे आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जैसा आप जैसे केपी बनाने का मेथड है एज इट इज सेम है आपका, तो यहां पे आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में पार्शियल प्रेशर, ए माइनस टू एक्स डिवाइड बाय ए प्लस एक्स इंटू पी, यहां पे लिख लेंगे 2x और डिवाइड बाय ए प्लस एक्स इंटू पी, यहां पे लिख लेंगे आप x डिवाइड बाय ए प्लस एक्स इंटू पी, हो गया। बाकी आपको इक्वेशन बना लीजिए, केपी का इक्वेशन पुट करिए, सॉल्व करते जाइएगा, लास्ट में x 2x इक्वल टू अल्फा वो रिप्लेस करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं बस कैलकुलेशन है, सॉल्व करते जाइए, लास्ट में हम लोग को अल्फा निकालना है, तो कंटिन्यू करिए इसमें। बताइए आपको केपी, केपी लिखना है वो इक्वेशन है, स्टार्टिंग में इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उस इक्वेशन से केपी लिखना है हम लोग, तो केपी केपी लिखना है, तो वहां आपको पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर करिएगा आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू यहां लिखना है डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू लिखना है और इसका करना है आपको स्क्वायर, वो सारा पार्शियल प्रेशर आपके पास है, पुट करिए सॉल्व करिए और तब सॉल्व करके छोटा करते रहिए, देखिए केपी सॉल्व करिए मुझसे आगे चलते रहिए आपको। सो यहां हुआ आपका 4x स्क्वायर पी स्क्वायर और ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू, बी टू एक्स इंटू पी डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, ये हो ए बी टू का स्क्वायर करना है, तो यहां देखिए ए माइनस टू एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स का स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये हो गया, कैंसिल करिए जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, यहां देखिए पी का स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो गया, ए प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ ए प्लस एक्स का स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, छोटा करिए छोटा करते रहिए आप अपना, देखिए यहाँ पे के पी यहाँ हटेगा तो 4x क्यूब
4 है x क्यूब इंटू पी डिवाइड बाई ए प्लस एक्स और ए माइनस टू एक्स का स्क्वायर ऐसे। यहां तक हो गया एकदम छोटा सा। अब आपको लास्ट में वो वहां से उठाना है जहां जहां 2x है, 2x 2x के जगह आपको पुट करना है ए अल्फा, या x जहां जहां है उसके जगह ए अल्फा बाई टू ऐसा पुट कर लीजिए। पुट करिए इसमें, पुट करके देखते हैं और छोटा होता जाएगा, एकदम सिंपल छोटा सा करना है हम लोग को। सो केपी यहां देखिए आपका 4 और पी अलग कर लीजिए, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ए क्यूब अल्फा क्यूब 2 पे पावर क्यूब 8 हो गया। नीचे में देखिए ए प्लस एक्स ए अल्फा बाय 2, यहां देखिए ए माइनस टू एक्स, ए माइनस टू एक्स, टू एक्स की जगह यूज करिएगा ए अल्फा का स्क्वायर ऐसे ले लीजिए। सॉल्व करिए और कॉमन करिए इसमें से केपी 4 पी ए क्यूब अल्फा क्यूब, यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ऐसे 2 कॉमन लीजिएगा तो यहां पे हो जाएगा 4, यहां से ए कॉमन ले लीजिए सो ये हुआ 2 प्लस अल्फा। सॉल्व करते रहिए, यहां से ए कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। चलिए ए क्यूब कैंसिल कर लीजिए, 4 कैंसिल हो गया आपका, आपको देखिए 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ए क्यूब कैंसिल हो गया, केपी ऊपर में हो गया पी और अल्फा क्यूब नीचे में हो गया 2 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। सॉल्व करते रहना, बहुत इजी है, होता बहुत आसान है, एकदम सॉल्व करते रहे एकदम इजी में कटते जाएगा। अब देखिए लास्ट स्टेप, क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन में आईटी क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ है अल्फा मच मच लेस देन 1, बहुत छोटा है लिखा हुआ, पेपर में लिखा हुआ अल्फा बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा होगा तो 2 प्लस अल्फा 2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि अल्फा बहुत नेग्लेजिबल है, उसमें 2 में कुछ जोड़ेगा तो वो नेग्लेजिबल है, वो 2 के बराबर हो गया। 1 माइनस अल्फा करिएगा, 1 माइनस अल्फा ये 1 के बराबर हो जाएगा। सो पेपर में लिखा हुआ, पेपर में आपको लिखा हुआ कि अल्फा बहुत छोटा है तो आप 2 प्लस अल्फा 2 में अल्फा जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में से अल्फा घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फाइनली अब आप यहां पे लास्ट लाइन सो फाइनली आपका जो केपी लिख रहे हैं केपी पुट करिए पी हो गया, यहां अल्फा क्यूब हो गया, नीचे में यहां 2 हो गया और नीचे में यहां 1 हो गया। ये रिलेशन था आपको, मतलब आपको अगर अल्फा क्यूब चाहिए अल्फा क्यूब तो ये 2 हो गया इनटू केपी और डिवाइड बाय पी, ये है रिलेशन। मतलब अल्फा चाहिए, अल्फा आपको फाइनल निकालना है तो 2 इनटू केपी और डिवाइड बाय पी पे पावर हो गया 1/3, ये है। ये था ऑप्शन में लिखा हुआ था। तो ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है कि कई बार आपको डेरिवेशन ही आ जाता है, डेरिवेशन काफी इजी होता है, थोड़ा सा बड़ा है, बट आप अगर बहुत फास्ट स्टूडेंट है तो कुछ नहीं, कई स्टेप हम लोग एलिमिनेट करते हैं, कई जगह स्टेप जस्ट एलिमिनेट करके आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए डेल्टा एन 0 मैंने कंप्लीट कर लिया, डेल्टा एन पॉजिटिव मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मुझे डेल्टा एन निगेटिव जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन ऑफ SO3 था तो वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इस तरह मेरे लेक्चर 3 फाइनल हो जाएगा। तो अभी मैं डेल्टा एंड निगेटिव पे वर्क करता हूँ आपके लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट हम लोग करना है कि डेल्टा एंड निगेटिव है तो फोर्थ पॉइंट लेक्चर 3 का लास्ट पॉइंट है। सो कैलकुलेशन फॉर केपी एंड केसी When delta n negative, when delta n less than 0.
सो आप एक तो पहले रिजल्ट आप बना लीजिए कि केपी इज इक्वल टू जो है केसी है और आरटी, आरटी पे पावर डेल्टा एन है ये। और अगर अगर आपका डेल्टा एन लेस देन जीरो रहेगा देन इस कंडीशन में केपी जो होगा वो लेस देन केसी, केपी लेस देन केसी वो केसी से छोटा होगा। यहाँ भी आपको दो बार, आपको एक बार केपी के लिए निकालना है, एक बार केसी के लिए निकालना है। इसी सा है, मेथड सारा वही है, फेमस मेथड है द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस जो मोस्ट कॉमन मेथड इसमें सीखना है। सो नंबर वन आप कैलकुलेट करिए फॉर हैबर प्रोसेस, एन टू गैस है और थ्री एच टू ये गैस हुआ और हमें पढ़ना है यहाँ पे एन एच थ्री, यहाँ हम लोग को डिस्कस करना है टू एन एच थ्री और ये गैस है। यहाँ डेल्टा एन आप चेक कर सकते हैं, डेल्टा एन जो है वो प्रोडक्ट टू और माइनस रिएक्टेंट फोर, वो माइनस टू आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो इसका केपी एंड केसी बनाना है, तो स्टार्ट करिए। हम लोग पहले केसी बनाते हैं, केपी बनाते हैं, सेम मेथड, मेथड सारा सेम है। अब फास्ट करिए, थोड़ा तेज करिए। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे मान लीजिए कि ये ए मोल है, ये बी मोल है और ये जीरो है। हम लोग बातें करें मोल का, ये मोल है आपका। एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम आते ही देखिए रिएक्शन में ए में से कटेगा एक्स, ये वन है ना, वन सब सिखाया हुआ है मैंने आपको, कितना कितना आपको ब्रेक करना है। यहाँ है थ्री, वन ब्रेक कर रहा है थ्री से, तो बी माइनस हो गया थ्री एक्स और यहाँ पे टू बन रहा है तो यहाँ टू एक्स हो गया मोल, ये मोल। अभी मैं केसी बना रहा हूँ, केसी बनाने के लिए आपको वॉल्यूम लिखा जाता है, मोलर कंसंट्रेशन बनाते हैं ना अपना। तो लेट, यहां से लेट एक नया टर्म ऐड करिए बीच में, लेट वी द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर, इन लीटर। नेक्स्ट स्टेप में आप लगाएंगे यहां मोलर कंसंट्रेशन, यहां अगले स्टेप में यूज करेंगे मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन में यूज करना है ए माइनस एक्स और डिवाइड बाय वी, वी यूज करना है। यहां देखिए यहां यूज करना है बी माइनस थ्री एक्स और डिवाइड बाय वी यूज करना है और यहां पे यूज करना है टू एक्स और डिवाइड बाय वी, ये हो गया मोल पर लीटर, ये हुआ आपका। फाइनली अब केसी निकालना है, केसी एक लाइन में आप लिख लीजिए यहां पे केसी, केसी आप इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जानते हैं, केसी आपको ऊपर में लिखना है NH3, NH3 का होल ट्वाइस हो गया और डिवाइड बाय यहां पे है N2 और यहां H2, H2 का होल क्यूब हो गया। नाउ सॉल्व कर लीजिए यहां पे केसी, NH3 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो गया 4x² डिवाइड बाय v² यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस एक्स और डिवाइड बाय v और यहाँ क्यूब है क्यूब तो b माइनस थ्री एक्स का होल क्यूब और डिवाइड बाय v क्यूब यूज करना है, क्यूब क्यूब यूज करना है। अब बताइए फाइनली यहाँ पे v² और नीचे में v पे पावर 4 है तो दो तो v कैंसिल हो गया और बाकी बच गया ऊपर चला गया। तो यह है केसी, केसी इक्वल टू हो गया 4x² v² ए माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स होल क्यूब, हो गया फॉर्मूला, बन गया केसी के लिए। ऐसे केपी बनी, केपी बनी बहुत आसान है, इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना सारा आपने रिएक्शन पढ़ा, केपी बनी जल्दी से केपी, इसी के लिए केपी आपको बनाना है, केपी बनाना है। सब कुछ तो सेम रहेगा यहाँ पे, सारा कुछ सेम यहाँ पे, बस इस जगह चेंज करिए, लिखिए आप, लिखिए लिखते रहिए साथ साथ, बनेगा आपका आपका ये फर्स्ट स्टेप सेम, सेकंड लाइन सेम रहेगा। केपी के लिए आपको एन चाहिए, एन टोटल नंबर ऑफ मोल एंड नॉट टोटल प्रेशर चाहिए। स्टार्ट करिए, एन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स। सो यहां पे देख लीजिए एन, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस टू एक्स हो गया, ये है टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम और पी मान लीजिए टोटल प्रेशर है पी।
ये है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हो गया। फाइनली पार्सल प्रेशर, पार्सल प्रेशर आपको निकालना है, पार्सल प्रेशर आप लिख लीजिए यहां पे पार्सल प्रेशर। सो पार्सल प्रेशर देखिए, पार्सल प्रेशर में यहां बताइए, यहां हुआ ए माइनस एक्स आर डिवाइड बाई एन, एन कर लीजिए इन टू द पी, एन एन हम लोग लिख लेंगे, बड़ा बड़ा टर्म है तो इसको एन लिखिए, लास्ट में हम लोग पुट करेंगे। यहां बताइए यहां बी बी माइनस थ्री एक्स आर डिवाइड बाई एन इन टू टोटल प्रेशर, यहां देखिए यहां पर लिखिएगा टू एक्स आर डिवाइड बाई एन इन टू टोटल प्रेशर हो गया। इक्वेशन जल्दी से आपके पी का लिखिए, पुट कर लीजिए आगे आपका। सो केपी पार्सल प्रेशर ऑफ एनएच थ्री का होल स्क्वायर इंटू पार्सल प्रेशर ऑफ द एन टू इंटू पार्सल प्रेशर ऑफ एच टू का होल क्यूब हो गया। पुट कर लीजिए, पुट करिए आप अपना, सॉल्व करिए। एनएच थ्री का स्क्वायर तो वहां पे रखिएगा फोर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर, हम लोग एन रख लेंगे ना, एन लास्ट में रखते हैं। नाउ यहां पे एन टू, एन टू का सो ए माइनस एक्स इंटू पी डिवाइड बाई एन, ठीक। उसका क्यूब करना है, हाइड्रोजन का क्यूब, तो बी माइनस थ्री एक्स का होल क्यूब पी का होल क्यूब और यहां पे एन का होल क्यूब, ऐसा ऐसे रख लीजिए। अब सॉल्व करिए फाइनली, फाइनली के पी। सो देखिए यहां पे पी स्क्वायर तो यहां देखिएगा फोर एक्स स्क्वायर, ये एन एन स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर पी, यहां पे पी स्क्वायर है और नीचे में पी पे पावर फोर है तो यहां हो जाएगा नीचे में पी स्क्वायर ए माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स का होल क्यूब। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन एन 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 जो है वो आया हुआ, वो आप पुट कर लीजिए आपका। सो के पी फोर एक्स स्क्वायर एन एन का स्क्वायर ए प्लस बी माइनस टू एक्स का स्क्वायर कर लीजिए। सो नीचे में पी स्क्वायर ए माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स क्यूब, ये था केपी के लिए रिलेशन। कहीं रटना नहीं होता है, ये आप तुरंत बना लिया कीजिए। जब भी डेरिवेशन हो तुरंत आप अपना के पी के सी, ये बहुत सारा लाइन तो ये सब, कई स्टूडेंट तो ये सब लाइन जंप करते हैं, जंप करके एक दो लाइन में डायरेक्ट से बना लेते हैं। तो ये था मेरा केपी, केपी के लिए रिलेशन, ये के सी के लिए रिलेशन डेल्टा एन, और एक रिजल्ट ध्यान रखना है, तीनों केस में मैंने एक रिजल्ट पढ़ाया, डेल्टा एन जीरो पे, डेल्टा एन पॉजिटिव पे, डेल्टा एन निगेटिव पे, तो मैं एक रिजल्ट आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। सो रिजल्ट यहाँ पे नेक्स्ट इसमें एक चाहिए था हमें रिजल्ट फॉर डेल्टा एन लेस देन जीरो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेक्चर फोर फाइव के लिए ना हमें लीक चैटलर प्रिंसिपल पढ़ना है, उसमें हमें कुछ रिजल्ट आपको डिस्कस करना था आपको। चलिए, जैसे हमने डेल्टा एन जीरो बताया था, डेल्टा एन जीरो नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम रेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही डेल्टा एन पॉजिटिव में मैंने बताया था हाई वॉल्यूम इज फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, सेम चीजें यहां हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए रिएक्शन फिर से आपको समझाता हूं मैं, एन टू थ्री एच टू और टू एन एच थ्री, गैस फेज में आपको
स्टार्टिंग में हम लोग बात करें, स्टार्टिंग में टी जीगलो जीरो पे ये ए था, ये बी था और ये जीरो था, और जैसे एट इक्विलिब्रियम जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो ये हो गया ए माइनस एक्स, यहाँ देखिए ये बी माइनस थ्री एक्स और ये हो गया टू एक्स। और अगर बहुत तेज है, बहुत फास्ट आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं तो यहाँ डिवाइड बाय वी, तो यहाँ हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर और ऊपर में हो जाएगा वी स्क्वायर, और आप चेक कर लीजिए ए माइनस एक्स और बी माइनस थ्री एक्स का होल क्यूब, तो ऐसे लिखा जाता है इतना तेज। वो कोई इसे इस शब्द का भी जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ऐसे मन में ए बी जीरो ए माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स टू एक्स ऐसे मन में ऐसे लिखते हैं लोग, डिवाइड बाय वी स्क्वायर है कट गया वी कटा और फाइनल आंसर यहाँ पे पावर क्यूब, ये थ्री नहीं है पावर क्यूब है, ये पावर क्यूब है ऐसे। तो ये है इक्वेशन केसी का। यहाँ से हमें रिजल्ट बनाना था आपको, वो अपने साथ बना सकते हैं, मैंने डेल्टा एन पॉजिटिव पे बताया था, अभी डेल्टा एन निगेटिव है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अब ध्यान से, फोर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर ए माइनस एक्स और बी माइनस थ्री एक्स का होल क्यूब। आप जानते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट साइड केसी केसी जो कांस्टेंट होता है, वो मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि केसी कांस्टेंट, और कांस्टेंट केसी जो है वो डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैटलिस्ट, सॉरी नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर वॉल्यूम कंसेंट्रेशन कैटलिस्ट, उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट हुआ। और इधर कर लीजिएगा यहाँ फोर एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर, यहाँ पे करिएगा ए माइनस एक्स और यहाँ करिएगा बी माइनस थ्री एक्स, थ्री एक्स का होल क्यूब, ये ऐसे करिए। अब बताइए, अब ऐसे जस्ट कोई मैथमेटिकल नंबर ऐसे समझिए, ऐसे इस तरह से रिलेट करिए कि मान लीजिए मैं आपसे 10 कह रहा हूँ, 10 10 इज इक्वल टू, मैंने बोला कि 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 है ऐसा, ठीक है 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको कॉन्स्टेंट रखना है, इसको कॉन्स्टेंट ये 10 ही रखना है, इसको 10 कॉन्स्टेंट रखना है, और मैं अगर वॉल्यूम बढ़ा दूँ, सोचे तो सोचे कि अगर इसमें रिलेट करिए, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज या वॉल्यूम डिक्रीजेज, मान लीजिए इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी मैं कह दे रहा हूँ, वॉल्यूम मान लीजिए डिक्रीजेज, जस्ट सोचिए जैसे थोड़ा सा बहुत सिंपल सा टर्म है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ डेल्टा एंड पॉजिटिव पे, वही चीज डेल्टा एंड निगेटिव पे बात करना है। अब सोचिए कि ये लेफ्ट साइड कांस्टेंट रखना है, 10 एंड 10 कांस्टेंट रखना है, ये कांस्टेंट रखना है, और मैं इस टर्म को बोल रहा हूँ, इस टर्म को बोल रहा हूँ कि इसको घटा दीजिए, इसको घटा के 1 कर दीजिए, मैं घटाने की बात कर रहा हूँ कि मैं एक टर्म को घटा दीजिए, तो अगर इसको घटाइए और इसको कांस्टेंट रखना है, ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तभी ना होगा भाई। आपको बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड कांस्टेंट रखना है, लेफ्ट साइड कांस्टेंट, ये साइड कांस्टेंट करना है, और दो टर्म है, दो टर्म आप सोचे, दो टर्म ऐसे इमेजिन करिए कि मेरे पास 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 है, और इसको मेंटेन रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है, और इसको मैं बोल रहा हूँ इसको घटाने के लिए, इसको घटा दीजिए, तो ये घटाइएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही चीजों तो बातें हम लोग कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड कांस्टेंट है और वॉल्यूम, आप सिर्फ ऊपर देखिए ना, सिर्फ ऊपर देखिए, अगर वॉल्यूम वॉल्यूम को मैं घटा दूं, वॉल्यूम घटा दूं तो ऑटोमेटिक एक्स क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। सिंपल है, मैथमेटिक्स सिंपल समझ में आ रहा है भाई, इसमें क्या है, इसमें छोटा सा चीज है, 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड कॉन्स्टेंट रखिए, 10 कॉन्स्टेंट, इसको फिक्स रखिए, और इसको बोल रहा हूँ कि इसको घटा दीजिए, घटा दीजिए, इसको कम कर दीजिए, लाइक मान लीजिए मैंने इसको 1 कर दिया, तो इसको घटाइएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला क्या होगा, बढ़ जाएगा, तभी ना 10 into 1 10 5 into 2 10। सो अगर आप इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड कांस्टेंट बोल रहे हैं, कांस्टेंट है, और यहाँ अगर वॉल्यूम को घटाइएगा, तो वॉल्यूम को घटाइएगा तो ऑटोमेटिक एक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम को अगर आप घटा रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एक्स बढ़ा अमोनिया बढ़ जाएगा, अमोनिया बढ़ जाएगा का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हम लोग को रिजल्ट जानना है, रिजल्ट हम लोग को जो डेल्टा एंड पॉजिटिव पे भी किया था मैंने, और नेगेटिव पे भी करना है आपको। चलिए आप यहाँ पे देखिए, एकदम सिंपल सा चीज है, इफ वॉल्यूम इंक्रीज है और ये कांस्टेंट है, देन देन
एक्स ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएंगे और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कंसंट्रेशन जो होगा इंक्रीज कर जाएगा और आपका ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। इंक्रीजर और मैंने आपको बताया था ये भी यूज करिएगा पीपीजी इक्वल टू एनआरटी, उसमें मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करना, वॉल्यूम डिक्रीज करना का मतलब प्रेशर क्या है इंक्रीज करना। तो अगर डेल्टा एन, डेल्टा एन निगेटिव रहे और रिएक्शन चाह रहे हैं फॉरवर्ड, अगर आप फॉरवर्ड चाहे, फॉरवर्ड अगर चाहना चाह रहे हैं, अगर रिएक्शन को सोच रहे हैं कि फॉरवर्ड चाहे, तो लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, वॉल्यूम लो वॉल्यूम एंड द हाई प्रेशर, लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये एक रिजल्ट है जहां हम लोग ली चैडलर प्रिंसिपल यूज करेंगे, बहुत सिंपल है वो भी टॉपिक आपको। सो यहां पे हमें रिजल्ट समझना है, कोई रटना नहीं है। फिर लोग रटते हैं कि ऐसा डेल्टा एन पॉजिटिव निगेटिव पे हाई वॉल्यूम, नहीं कुछ नहीं रटना, ये आप कोई इक्वेशन आप बना लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड कॉन्स्टेंट, अगर कॉन्स्टेंट मेंटेन रखना है, वॉल्यूम डिक्रीज करिएगा, ऑटोमेटिक एक्स बढ़ेगा, एक्स का मतलब अमोनिया, वो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम लो है तो प्रेशर हो गया हाई, उल्टा करना है। तो आप ये रिजल्ट यहाँ पे नोट करेंगे कि व्हेन डेल्टा एन इज नेगेटिव देन लो वॉल्यूम एंड हाई प्रेस, हाई प्रेस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये होगी मतलब अगर आपको हैवर मेथड से, हैवर प्रोसेस से आपको अगर बनाना हो अमोनिया, अगर आपको इससे N2 प्लस 3H2 और आप चाह रहे हैं कि अमोनिया बनाना है, अमोनिया आपको ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि 2NH3, अगर चाह रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो आपका कंडीशन होना चाहिए एकदम लो वॉल्यूम, कंटेनर एकदम छोटा कंटेनर ले लीजिएगा, बहुत छोटा कंटेनर, एकदम कंटेनर एकदम छोटा रखिए, जितना छोटा कंटेनर रखिएगा उतना फास्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम लो प्रेशर हाई रखेगा, रिएक्शन एकदम तेज भागेगा फॉरवर्ड की तरफ, खूब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा आपको। तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो थ्योरी टाइप का टॉपिक है ली चैडलर प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा ईजी है बट है इंपॉर्टेंट, खूब इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये मेरा डेल्टा एन निगेटिव, डेल्टा एन निगेटिव के लिए मैंने आपको डिस्कस किया, रिजल्ट बनाया। एक और हम लोग डेल्टा एन निगेटिव पे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ SO3, तब तक यहां तक नोट करेंगे आप साथ साथ, मैं बार बार बोलता हूं कि साथ साथ आप कॉपी लेके पेन लेके बैठे रहिए, जैसे क्लास में होता है वही चीज़ें तो यहाँ हो रहा है, उतने ही स्लो स्लो स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। तो आप कॉपी लेके नोट करते रहिए, मुझसे आगे भी पढ़ सकते हैं, आगे तेज तेज आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं एक और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। सो लास्ट द फॉर्मेशन ऑफ SO3, फॉर्मेशन ऑफ SO3 मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप खुद ड्राइव कर लीजिए ना KPKC, और मुझसे आगे आगे चलते रहिए, KPKC आपको बनाना है। तो लास्ट में आपको है सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ SO3, और रिएक्शन आपको यूज करना है SO2 और प्लस O2, गैस फेज रिएक्शन है, सारे गैस फेज रिएक्शन है, और टू मोल्स ऑफ SO3 सर, गैस रिएक्शन है, गैस फेज रिएक्शन है, जल्दी से आप स्टार्ट करिए इसका। डेल्टा एन आप चेक करना है, डेल्टा एन आप देख लीजिए, आपका डेल्टा एन निगेटिव आ रहा है, डेल्टा एन है यहाँ पे आपको 2 और -3, यहाँ डेल्टा एन लेस देन जीरो, हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव लेस देन जीरो पे,
माइनस वन आ रहा है आपका, और आप सॉल्व करें जल्दी से। आप ए बी पानी और के सी के पी बनाना है, फास्ट करिए एकदम इजी सा आपके लिए। कितना सारा हम लोग डेरिवेशन कर लिए कि यहाँ है ए है बी है जीरो है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मोल में। और जैसे ही एट इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम पे ए माइनस टू एक्स, यहाँ है बी, बी माइनस एक्स, यहाँ है टू एक्स, मोल हो गया। ये हो गया आपको लाइक वी द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट स्टेप इधर आप लिख लें मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सो ए माइनस टू एक्स आर डिवाइड बाय वी, सो बी माइनस एक्स डिवाइड बाय वी, यहां है टू एक्स आर डिवाइड बाय वी। आंसर हो गया यहाँ पे मोल पर लीटर। केसी बनाना, केसी बनाने के लिए आपको जानते हैं कि यहाँ केसी में यहाँ हो गया एस ओ थ्री का स्क्वायर, नीचे में करिएगा एस ओ टू, एस ओ टू का स्क्वायर, यहाँ आप कर लीजिए ओ टू पावर वन। सॉल्व करिए कितना इजी सा है, और सॉल्व करिए यहाँ पे एस ओ थ्री का, यहाँ स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, एसओ टू का स्क्वायर ए माइनस टू एक्स का स्क्वायर और डिवाइड बाई वी स्क्वायर, बी माइनस एक्स और डिवाइड बाई वी। देखिए आपका आ गया केसी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये v ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा a माइनस टू एक्स का स्क्वायर b माइनस एक्स, हो गया। देखिए तो एक केसी कितना आसान है, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि यहाँ सीधे वन टू लाइन एंड सीधे वहाँ तक जाना है, डायरेक्ट करना है। बट सीखना, अभी तो सीखने वाला क्लासेस चल रहा है, तो आप स्लो स्लो सीखते रहिए और जल्दी से आप केपी बनाइए। आपको केपी बनाइए और फाइनल करिए, यहाँ लेक्चर थ्री मुझे फाइनल करना है आज, तो केपी केपी आप कंप्लीट करिए। सब कुछ सेम, यहाँ तक सेम, केपी में दो एक्स्ट्रा लाइन आएगा, एक तो आ जाएगा एन, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए एन, यहाँ एन एन यूज करेंगे, एन टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम ए माइनस टू एक्स बी माइनस एक्स और प्लस टू एक्स। तो सॉल्व करिए एन, एन का वैल्यू है ए प्लस बी माइनस एक्स, लीजिए एन हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए पी, पी द टोटल प्रेशर, एट इक्विलिब्रियम अगला स्टेप आप जानते हैं, अगला स्टेप जो होगा वो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है वहां पे केपी लिखना है, सॉल्व करना है, पुट करिए, स्टार्ट करिए, आप कंप्लीट करिए जल्दी जल्दी। यहां है पार्शियल प्रेशर, बोलिए ए माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एन, एन छोड़ दीजिए, एन नंबर ऑफ मोल टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू पी, यहां आ जाइए बी माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू पी, यहां आ जाइए इस जगह, सो टू एक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू पी, हो गया ये पार्शियल प्रेशर, फिर वहां पुट कर लीजिए केपी, केपी के लिए। सो केपी होता है, आप जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एसओ थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एसओ टू का स्क्वायर इनटू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू। तो ये केपी हम लोग कैसे लिखा जाता है, पहले लेक्चर वन में ही हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें आपको। तो केपी, केपी जब आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे SO3, SO3 का स्क्वायर, SO3 का स्क्वायर यहाँ पे है आपको, तो 4x स्क्वायर P स्क्वायर N स्क्वायर,
SO2 का स्क्वायर कहाँ, SO2 का स्क्वायर a माइनस टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ नीचे में n स्क्वायर और p स्क्वायर, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन करना है तो b माइनस एक्स एन टू पी डिवाइड बाई एन, ये हो गया एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, के पी सो ऊपर में हो गया, देखिए फोर एक्स स्क्वायर ऊपर में हो गया, ये एन ऊपर कर लीजिए, नीचे में पी आ जाएगा, प्रेशर एक ही प्रेशर बचा हुआ है तो ए माइनस टू एक्स का स्क्वायर और बी माइनस एक्स, ये हो गया। एन का वैल्यू पुट कर लीजिए, फाइनली एन का वैल्यू ए प्लस बी माइनस एक्स, एन का वैल्यू वहां से जो था वो पुट कर लीजिए और इस तरह आपका फाइनल के पी आ गया। तो फोर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ एन का वैल्यू पुट कर लीजिए, प्रेशर नीचे आएगा, ए माइनस टू एक्स का स्क्वायर बी माइनस एक्स हो गया आपका। देखिए इस तरह कोई भी डेरिवेशन किसी का भी आप के पी केसी बना सकते हैं। मैंने डेल्टा एन जीरो, डेल्टा एन पॉजिटिव, डेल्टा एन निगेटिव, सारा मैंने रिजल्ट कंप्लीट कर दिया आपके लिए। तो ये मेरा लेक्चर थ्री फाइनल, लेक्चर थ्री फाइनल मेजर रिजल्ट इक्विलिब्रियम का कंप्लीट हो गया है। ली चैटर प्रिंसिपल मुझे सिखाना है, उसको अप्लाई करना सिखाना है, उसमें मैं 20 थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, छोटा छोटा आपको, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में खूब आता है मेडिकल इंजीनियरिंग में ली चैटर प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 4 और 5 के लिए प्लानिंग करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल, उस पर इस टॉपिक में कोई थ्योरी नहीं है आपको। सो यहाँ तक आप फाइनल करिएगा, आपका ये लेक्चर थ्री कंप्लीट करिए आपका, आपका लेक्चर थ्री मेरा फाइनल हो गया।